सोचा कि आज जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए। जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए। सोचा कि मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। फिर सोचा कि आज रात भर जाग कर पढ़ाई की जाए तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब पता चलेगा, तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था, लेकिन अभी तो तुम्हारे लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, थोड़ी सी देर टीवी देखना जरूरी है, दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात करना भी जरूरी है, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर एक बार नजर मारना भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन जाती हैं पता भी नहीं चलता। ये बेवजह की चीजों को अपनी जरूरी कामों की लिस्ट से अभी निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये काम उतने जरूरी हैं ही नहीं जितना तुमने इन्हें बना लिया है। तुम्हें लत लग गई है इन सब चीजों की। ये सारे काम करने के बाद जब थोड़ा बहुत समय बच जाता है वो समय तुम अपनी पढ़ाई को देते हो। हमेशा ये बात याद रखना कि सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। सुबह नींद नहीं खुलती है तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज सूर्योदय देखकर ही दम लूंगा, चाहे रात भर जागना पड़े रात भर जागकर पढ़ूंगा। जब तक कि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगा खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, न खाना न पीना न सोना और न ही सोचना, क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा, कब अपनी किताबों को बंद करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। जब भी ये बात तुम्हारे मन में आए कि मुझसे नहीं होगा तो हमेशा अपने आप को याद दिला लेना कि तुमसे ही होगा। दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई कर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हो, दिन में 24 घंटे पढ़ने की ठान लो। अब तुम कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो दोस्त पागलपन जरूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, उनकी तरह काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने से, बड़ी बड़ी बातें करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, ये जितने भी लोग सफल हुए हैं और इतिहास बदला है उन्होंने, इन लोगों की सफलता का राज क्या है? इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि इन लोगों ने हमेशा अपने मन में ये सोचा कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और मेरा जन्म दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, और इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है, बस जरूरत है तो एक दृढ़ सोच और कभी न टूटने वाले हौसले की। दोस्तों, अगर आपने भी अपने मुकाम और अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी बना लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए, और अपने मन में यह निश्चय कर लीजिए कि जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं किसी को रोकने से भी नहीं रुकूंगा। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिए, और हमेशा इस बात को याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अभी मन की आवाज मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के अच्छे मोटिवेशनल ऑडियोस को सुनने के लिए मुझे खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिए।